पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर प्रयागराज में आयोजित होने वाले 36वीं अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन 19 नवंबर को आयोजित की जाएगी, जिसमें लगभग 1000 धावकों के शामिल होने की संभावना है। मैराथन में शामिल होने वाले धावकों को चिप भी लगाई जाएगी ताकि उनकी तय की गई दूरी सही सही पता चल जाए। देश की प्रसिद्ध इंदिरा मैराथन 19 तारीख से प्रारंभ होगी। 36वीं मैराथन है, इसकी लंबाई 42.195 मीटर है। यह आनंद भवन से प्रारंभ होकर अहेल और रीवा रोड होते हुए वापस स्टेडियम तक फिनिश होगी। हमारे खेल और युवा कल्याण मंत्री भूपेंद्र तिवारी जी के मुख्य अतिथि होंगे और समापन कार्यक्रम में कुछ रंगारंग कार्यक्रम भी रहेगा। इसका प्रथम पुरस्कार 2 लाख रुपया है, द्वितीय पुरस्कार 1 लाख रुपया है और तीसरा पुरस्कार 75,000 रुपया है और इसके साथ में कुछ सांत्वना पुरस्कार भी है। 1,000 के आसपास हमारे वॉलंटियर्स और स्पोर्ट्समैन इसमें जुड़ेंगे। 1,00,000 से ज़्यादा टॉप लेवल के धावक इसमें शामिल होने वाले हैं और पुलिस प्रबंध पर्याप्त है, ट्रैफिक की अच्छी व्यवस्था रहेगी और जो भी रूट है उसको चेक करा लिया गया है। जहां पर भी कहीं टूट फूट है तो उन सड़कों की मरम्मत का कार्य जारी है। सब कोविड को लेकर किस तरह की सावधानी बरती जाएगी क्या? हाँ, अब कोविड के लिए मुख्यतः जो भी धावक शामिल होंगे उनके वैक्सीनेशन का रिपोर्ट देखा जाएगा और RT-PCR का रिपोर्ट देखा जाएगा और हम बूथ भी लगा दे रहे हैं जो कल से प्रारंभ होगा RT-PCR जांच के लिए। तो CMO की टीम सुनिश्चित करेगी कि जो भी आते हैं तो RT-PCR रिपोर्ट उनकी सुनिश्चित होगी। पार्टिसिपेंट्स उनके लिए अलग से बूथ बनाया जाएगा RT-PCR जांच? ये पर्टिकुलर उन्हीं के लिए है, जो हमारे धावक आएंगे उन्हीं के लिए RT-PCR जांच के लिए। बाकी उनके लिए रास्ते में 16 बूथ बनेंगे जहाँ पर उनके लिए पीने के पानी, नींबू, मौसमी, स्पंज आदि के।